टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेड बॉथ। फर्स्ट हम इसका देखते हैं डेफिनेशन की बेड बॉथ क्या होता है। कि बेड बॉथ एक जनरली किसान प्रोसीजर जिसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें हम बेड से कहीं ना कहीं उसे मूव नहीं कर सकते, उस कंडीशन में उन्हें हम क्या करते हैं बेड पर ही उनकी बाथिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेड बॉथ बोलते हैं। इसका अगर जनरली डेफिनेशन देखें तो क्या दिया है कि दिया है बेड बॉथ मीन्स बाथिंग ए पेशेंट हु इज़ कॉन्फाइंड टू द बेड एंड कैन नॉट हैव ए फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ द सेल्फ बाथिंग। वॉट इज़ द एक्ट ऑफ क्लीनिंग द बॉडी। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई पेशेंट है वो क्या है एक जगह एक बेड पर ही फिक्स्ड है, वो मतलब बेड से कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है और साथ ही साथ वो क्या है मेंटली और फिजिकली क्या है कैपेबल नहीं है अपने आप से वॉथिंग करने के लिए, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं बॉथ बेड बॉथ। देन क्या है बेड बॉथ क्या है कि एक एक्ट है, कैसा एक्ट है कि क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को क्या करना क्लीन करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं वॉथिंग या बेड बॉथ। मतलब बेड बॉथ कहीं ना कहीं सिंपल से हम बोल सकते हैं कि हम बेड पर पेशेंट को क्या कर रहे हैं वॉथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कंडीशन या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेड बॉथ बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पर्पस कि बेड बॉथ के क्या पर्पस है, मतलब क्या पर्पस है जो हम पेशेंट को बेड पर वॉथिंग करा रहे हैं या उसको पेशेंट को बेड पर ही नहला रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या पर्पस है। तो पर्पस देखें तो फर्स्ट क्या है टू क्लींस बॉडी टू डर्ट। तो हम बॉडी को क्या करते हैं क्लीन करते हैं जो भी उसके पास डर्ट वगैरह जो भी गंदगी है उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं बेड वॉथिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टू रिफ्रेश, जिससे कि वॉथिंग से क्या होगा पेशेंट को एक फ्रेशनेस फील होगा, क्या होगा एक फ्रेशनेस या रिफ्रेश कर सकते हैं पेशेंट को, मतलब कहीं ना कहीं एक हेल्थी और सेटिस्फाइड फील करा सकते हैं, एक कॉन्फिडेंट क्या एक उसको सेफ एंड क्या कर सकते हैं उसके कॉन्फिडेंट लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। देन हम देखते हैं टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, अगर प्रॉपरली हम बेड बाथ कराते हैं या हम कहीं ना कहीं पेशेंट को वॉथिंग प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो सर्कुलेशन है उसको क्या कर सकते हैं प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा प्रॉपरली ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं उसके सर्कुलेशन को क्या कर सकते हैं नॉर्मल कर सकते हैं। देन क्या टू प्रोवाइड कॉन्फर्ट एंड द रिलैक्सेशन, तो हम क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे रिलैक्सेशन, मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट को अगर वॉथिंग कराएंगे तो क्या होगा एक कंफर्ट फील होगा साथ ही साथ उसको एक रिलैक्सेशन फील होगा, मतलब एक आराम या एक उसको रिलैक्स फील होगा किसकी हेल्प से वॉथ प्रोसेस की। टू प्रिवेंट प्रेशर श्योर, अगर कंटिन्यू पेशेंट को वॉथिंग कराते हैं या उसको नहलाते हैं कहीं ना तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं प्रेशर शोर से प्रिवेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा कि अगर कंटिन्यू एक ही पोजीशन में पेशेंट लेटता है तो कहीं ना कहीं बॉडी सेल्स क्या हो जाती है डैमेज हो जाते हैं, अगर कहीं ना कहीं हम उनको प्रॉपरली बाथिंग कराएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन होगा और वहाँ पर ब्लड शोर होने के बहुत कम चांसेज होंगे। नेक्स्ट क्या है टू रिलीफ फटीक, तो हम क्या कर सकते हैं फटीक को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं किसकी वॉथिंग प्रोसेस कंप्लीट करके। नेक्स्ट आपका क्या है टू मिनिमाइज द स्किन इरिटेशन, अगर कहीं ना कहीं पेशेंट को रेगुलर बाथिंग कराते हैं तो जो स्किन इरिटेशन की जो प्रॉब्लम ईचिंग हो रहा है उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं किसकी हेल्प से बाथिंग प्रोसेस को कम्प्लीट। तो ये कुछ पर्पस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं पर्पस की हेल्प से हम क्या बाथिंग की हेल्प से हम ये सारी चीज़ों को ईजिली क्या कर सकते हैं कम्प्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द पेशेंट नीडेड बेड बॉथ, मतलब किस टाइप के पेशेंट को वो नीड होती है कि बेड बॉथ की, मतलब एक ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको हमें बेड पर ही हमें बॉथिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, कौन कौन से या किस टाइप के वो पेशेंट होंगे। तो फर्स्ट है आपका अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस कंडीशन में, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या कहीं ना कहीं क्या प्रॉपरली, मतलब कहीं ना कहीं कर रहा है और थोड़ा नहीं कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेमी अनकॉन्शियस, मतलब प्रॉपरली या फुली वो क्या है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। सेमी कॉन्शियस मतलब कहीं ना कहीं कुछ टाइम ले एक्टिवली वर्क करता है कभी कभी बिल्कुल भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस वाली कंडीशन में होता है उस टाइम हमें क्या करते हैं पेशेंट को बेड बॉथ की बेड वर्क पर ही प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता है या बेड पर ही हमें क्या करना पड़ता है वॉथिंग प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर कहीं ना कहीं किसी पेशेंट का कोई ऑपरेशन या कोई ना ऑपरेटिव कंडीशन हुआ या कोई ना कोई सर्जरी हुआ है उसके बाद क्या वो कैपेबल नहीं है या उसमें एक एबिलिटी नहीं है कि हम उसको ईजिली मूव कर सकें, तो उस कंडीशन में हमें क्या करते हैं जो भी प्रोसीजर को कहाँ पर बाथिंग प्रोसीजर को कहाँ पर बेड पर ही कंप्लीट करते हैं। देन आपका पेशेंट विथ स्ट्रिक्ट बेड बाथ रेस्ट, बेड रेस्ट क्या उसका स्ट्रिक्टली बोला गया है किस पर बेड रेस्ट के लिए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे पेशेंट को कहीं ना कहीं बेड बाथ प्रोवाइड करेंगे क्योंकि कंटिन्यू उसको पेशेंट को क्या है बेड पर रेस्ट करने के लिए बोला गया है।
स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, उसको क्या बोला है, पेशेंट विथ स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, मतलब पेशेंट को अगर स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट के लिए बोला गया है उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, उसको बेड पर ही क्या करें, बाथिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका कहीं ना कहीं पैराप्लेजिया, मतलब पैराप्लेजिया पेशेंट, मतलब कहीं ना कहीं उसका बॉडी क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, हाफ बॉडी, कोई भी अपर लोअर, मतलब कहीं से भी क्या हो गया, वो पैरालिसिस हो गया, उस कंडीशन में क्या है, ईजिली पेशेंट को मूव नहीं कर सकते वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या उसे वॉशरूम में शिफ्ट नहीं कर सकते या बाथरूम उसको ले जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट को हम कहीं ना कहीं क्या बेड पर क्या करते हैं, उसको बाथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट को भी हम क्या है बेड बॉथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोपेडिक पेशेंट, मतलब ऑर्थोपेडिक मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोन फ्रैक्चर हुआ या बोन इंजरी हुआ या उसको पेशेंट को प्लास्टर ऑफ पेरिस की कंडीशन है या कोई ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैक्शन वगैरह फिक्स है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको बेड बॉथिंग प्रोवाइड करेंगे। कहीं ना कहीं अगर वो ट्रैक्शन या प्लास्टर उसमें फिक्स है तो हम इसे मूव ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जॉइंट ईजिली नॉर्मल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली जॉइंट नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बेड बाथ प्रोसीड कम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सीरियस इल पेशेंट, अगर कोई पेशेंट सीरियस इल है या मतलब उसको इस टाइप का बहुत सीरियस कंडीशन है जैसे कि कार्डियक अरेस्ट MI वगैरह या कोई है उसको लिवर डिसीज, मतलब कोई सीवियर डिसीज कंडीशन है, उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे बेड बाथ प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ पेशेंट होते हैं या इस टाइप की कंडीशन वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं बेड बाथ की प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वाथ, तो ये वाथ के कितने टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट है आपका बेड वॉथ होता है, मतलब कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं उसको पेशेंट को बेड पर ही नहलाना या बेड पर ही उसको नहलाना, उसको हम बोलते हैं बेड वॉथ। नेक्स्ट होता है आपका थेरेप्यूटिक वॉथ, मतलब कहीं ना कहीं थेरेप्यूटिक वॉथ में क्या होगा कि कोई ना कोई डॉक्टर ने बोला कि इस टेम्परेचर पर पेशेंट को वॉथिंग कराना, जिससे कि हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं या उसकी कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस क्रम में उसको हम बोलते हैं क्या थेरेप्यूटिक वॉथ। नेक्स्ट है आपका पार्शियली बॉथ, पार्शियली मतलब फुली बॉडी को ना नहलाकर हम कुछ एरिया को क्या कर सकते हैं कॉटन या कहीं ना कहीं क्ली कपड़े से उनको क्लीन करना, उसको हम बोलते हैं क्या पार्शियली बॉथ। नेक्स्ट है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट बॉथ, मतलब वो खुद से क्या कर सकते हैं बॉथ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट बॉथ। नेक्स्ट आपका रहता है क्या टब बॉथ एंड बाथरूम बॉथ, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो टब में वगैरह में बाथिंग कर सकते हैं या कहीं ना कहीं वो बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम का यूज़ करके बाथिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेनली ये कुछ टाइप्स होते हैं बाथिंग के, कौन कौन से बेड बॉथ होता है, थेरेप्यूटिक बाथ होता है, नेक्स्ट आपका पार्शियल होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट बाथ होता है एंड टब एंड बाथरूम बाथ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, कि अगर हम बाथिंग प्रोसीजर कंप्लीट करने जा रहे हैं या उसको पेशेंट को अप्लाई कर रहे हैं बाथिंग प्रोसीजर, उस समय हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पेशेंट के लिए और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के लिए, तो हम जनरली हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है कि जैसे ही हम प्रोसीजर करने जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है कि एक पूरा क्या करना है पेशेंट की फैमिली मेम्बर और पेशेंट को क्या करना है इन प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्म करना है। देन हमें क्या करना है जो भी रूम है या जो भी एरिया उसको टोटली क्या करना है क्लोज करना है, विंडोज़ वगैरह है अगर ओपन है या ग्लासेस हैं तो वहाँ पे हमें कर्टन वगैरह यूज़ करके वो एरिया को क्या करना है बिल्कुल क्लोज करना है। देन हमें क्या करना है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाले हैं बाथिंग प्रोसीजर में उनको हमें क्या करना है अरेंज करना है जिससे कि हम बाथिंग प्रोसीजर को प्रॉपरली और अच्छे से कंप्लीट कर सकें। देन अगर नीड होने पर हमें क्या पेशेंट का टेम्परेचर भी अशेष करना है इसलिए थर्मामीटर वगैरह का को पास रखना जिससे कि हम कहीं 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 ना कहीं कुछ ऐसे कंडीशन पर हम जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है उसमें हम बाथिंग प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते या बहुत ज़्यादा लो है उस कंडीशन, तो कहीं ना कहीं हमें वो टेम्परेचर मैनेज करना है, वाटर शाइन को प्रॉपरली असिस्ट करना है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा बात करने से पहले। नेक्स्ट हमें क्या करना डॉक्टर से या नर्सिंग डॉक्टर से क्या करें कंसल्ट करना है जिससे कि हम बाथिंग प्रोसीजर को ईजिली और अच्छे से अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट हमें प्राइवेसी मेंटेन करना है क्योंकि हम बैथिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके सारे क्लोथ्स को रिमूव करेंगे तो हमें क्या करना है उसको प्राइवेसी मेंटेन करना है। देन हमें क्या करना है पेशेंट के लिए टॉवल वगैरह से अरेंज करके रखना है, देन उसके लिए क्लोथ्स वगैरह अरेंज करके रखना है नीड होने पर, ऑयल वगैरह कॉम्ब वगैरह ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है अरेंज करके रखना है और एक गुड एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिससे कि पेशेंट क्या है कॉन्फिडेंसली और सेटिस्फाइड वहाँ पर बाथिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो देन इस तरह से हम क्या कर सकते हैं प्रिपरेशन कर सकते हैं बाथिंग प्रोसेस करने से पहले वहाँ के पेशेंट के लिए और उसके इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विपमेंट, अगर हम कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को बाथिंग प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हैं या हम किसी को बात बेड बॉथ या प्रोसीजर देने जा रहे हैं उस समय हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड होगी, तो फर्स्ट हमें क्या होगा वेशिन, टू हमें वेशिन की नीड होगी, नेक्स्ट आपका शॉप एंड सॉफ्ट डिस्क,
शॉप की और सॉफ्ट डिस्क की नीड होगी। नेक्स्ट आपका वॉश क्लॉथ टू, दो क्या चाहिए, वॉश क्लॉथ चाहिए दो। नेक्स्ट क्या होगा, वॉथ टॉवल, वॉथ टॉवल चाहिए टू। देन हमें क्या चाहिए, फेस टॉवल टू, टू फेस टॉवल, जिससे हम फेस को इजीली हम क्या कर सकें, अच्छे से क्लीन कर सकें। नेक्स्ट है वॉथ ब्लैंकेट ऑफ सीट वन, तो वॉथ ब्लैंकेट सीट वन, जिससे कि अगर हम बेड पे नहीं लाएँ तो वो ये बेड सीट वगैरह गीली ना हो या जो भी है उसका मैट्रेस वगैरह ख़राब ना हो, तो एक ब्लैंकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल स्प्रिट, सर्जिकल क्या होना चाहिए, स्प्रिट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेल कटर, क्योंकि कहीं ना कहीं बातिंग करने से पहले हमें उसके नेल्स वगैरह को कट करना है, तो नेल कटर होना चाहिए। देन आपका है कॉम्बेंड ऑयल, कॉम्ब होना चाहिए जिससे उनको हेयर को अच्छे से सेट कर सकें, और ऑयल होना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी पर मसाज कर सकें। नेक्स्ट है आपका किडनी ट्रे पेपर बैग, किडनी ट्रे एंड पेपर बैग होना चाहिए, जो भी बॉडी से डस्ट वगैरह निकल रहा है या डर्टी पार्टिकल जो भी निकला उसे ईजिली हम क्या करें, किडनी ट्रे या पेपर बैग में शिफ्ट कर सकें। देन आपका जग टू, जग होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं हमें नीड हो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, दोनों किस टाइप की वाटर, तो हमें दोनों टू जग होना चाहिए जिसमें एक में हॉट या कोल्ड जो भी नीड है वो वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सबसे बकेट्स होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, बकेट्स होना चाहिए जिसमें हम वाटर फिल करेंगे पेशेंट को बेड वॉश प्रोवाइड करने के लिए। देन क्या चाहिए आपका, क्लीन बेड लाइनर, क्लीन बेड लाइनर मतलब एक क्लीन बेड लाइनर मतलब होता है कि कपड़ा होना चाहिए जो भी बिल्कुल कॉटन सा या कोई भी क्लॉथ से बना हुआ, एक क्या होना चाहिए, बेड लाइनर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका क्लीन ड्रेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट के लिए क्लीन ड्रेस होना चाहिए जो हमें बाथिंग करने का तो उसको वियर कराना है। देन आपका क्या है, आपका लॉन्ड्री बैग होना चाहिए जिसमें हम जो भी पेशेंट ने कपड़े यूज़ किए हैं जो भी पहना होगा पहले से उनको हम रिमूव करेंगे और लॉन्ड्री बैग में शिफ्ट कर देंगे जिससे कि वो लॉन्ड्री पर जाएं और उनको अच्छे से क्लीन किया जा सके, वॉशिंग करा सके। नेक्स्ट आपका वॉथ थर्मामीटर, एक वॉथ थर्मामीटर होना चाहिए जिससे कि हम वॉथिंग टाइम पर उसके थर्मामीटर की हेल्प से क्या सकते हैं, टेम्परेचर को असेस कर सकें और पेशेंट को एक कंफर्टेबल प्रोवाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रहा, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत थर्मामीटर। तो ये कुछ इक्विपमेंट की हमें नीड होती है जब हम पेशेंट को क्या करते हैं, बेड बाथ प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हैं, बेड बाथ प्रोसीजर को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर, कि जब हम प्रोसीजर देंगे तो हम किस तरह से प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। देन हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। देन हमें क्या करना है, सारे इक्विपमेंट जो भी अवेलेबल उनको बेड साइड में शिफ्ट करना है। देन हमें क्या करना है, जो भी बेड शीट है जो भी ब्लैंकेट है उसको अच्छे से बेड पर क्या करना है, कवर करना है बेड को। देन हमें क्या करना है, टॉवल वगैरह यूज करना, जैसे उसको पेरेंट जो भी पेशेंट है उसकी चार सराउंडिंग एरिया जो विंडोज़ हैं गेट्स हैं उनको क्या करना है, क्लोज करना, जैसे कि हम एक प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। देन हमें क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको इजीली कंफर्टेबली उसको क्या करना है, पूरे बॉडी को अच्छे से क्लोथ को रिमूव करना है। देन हमें क्या करना, जो भी हमारे पास क्या है बेसिन वगैरह उनमें क्या है, जो भी वाटर है जो भी बकेट्स में जिस तरह का भी वाटर है हॉट या कोल्ड जिस तरह वो हमें यूज़ करना है। देन हमें उसको वाटर अप्लाई करना है बॉडी के, देन वाटर अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी सोप वगैरह है उससे उसकी पूरी बॉडी को हमें सोप लगाना है। जैसे कि फर्स्टली हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फेस से स्टार्ट करते हैं, फेस पे लगाएंगे, फेस से हम फर्स्ट फ्रेश फेस, देन हम उसके बैक की तरफ मूव करते हुए, देन हम उसके नेक पर, नेक के तरफ, देन हम क्या करेंगे बैक में धीमे धीमे सोप लगाएंगे और उसको हम क्या करेंगे धीमे धीमे स्लोली स्लोली उसको मसाज करेंगे जिससे कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन ईजिली नॉर्मल हो सके। देन हम क्या करेंगे उसके एब्नॉर्मल एरिया पर भी हम क्या करें सोप अप्लाई करेंगे, देन उसको अच्छे से वहाँ पर मसाज करेंगे जिससे कि पेशेंट को बहुत अच्छे से कंफर्टेबली ब्लड सर्कुलेशन, देन उसकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ पर बैक साइड में, देन फिर हम फ्रंट साइड में सोप अप्लाई करेंगे और देन वहाँ पर धीमे धीमे रब करेंगे दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में। देन हम उसके वटक्स एरिया में जाएंगे, वटक्स एरिया पर हम क्या करेंगे स्लोली स्लोली क्या करेंगे सोप अप्लाई करेंगे, देन वहाँ पर अप्लाई करने के बाद वहाँ पर धीमे धीमे सोप एंड वाटर की हेल्प से हम मसाज करेंगे। देन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वहाँ पर हम क्या सोप अप्लाई करेंगे, देन जेनिटल एरिया में भी हम क्या करेंगे उसको सोप की हेल्प से एरिया को क्लीन करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे पूरी होल बॉडी पर सोप अप्लाई करते हुए और क्या करेंगे उसको वाटर जो भी हमारे पास अवेलेबल है जिस तरह का वाटर हम यूज़ करें हॉट या कोल्ड उसको देन उसके बाद अप्लाई करने के बाद उसकी बॉडी पर फुली मसाज करते हैं। देन मसाज कंप्लीट होने का जिससे कि अच्छे से उनकी बॉडी से जो भी डस्ट प्रेजेंट है उसको ईजिली रिमूव कर सकें। देन डस्ट रिमूव होने अगर हम वो जो भी हमारे पास वाटर है वो अप्लाई करेंगे जिससे कि जो भी कंटेंट है ईजिली रिमूव कर सकते हैं। देन वो अच्छे से होने के बाद हम जो भी है क्या है वॉट टॉवल की हेल्प से हम उसकी पूरी बॉडी को क्या करेंगे ड्राई करेंगे। देन अगर फेस टॉवल की हेल्प से फेस को ड्राई करते हैं, देन हमारे पास जो भी क्या है उसके हमारे पास क्या है ऑयल वगैरह अवेलेबल है और कॉम, तो ऑयल क्या करेंगे यूज़ करेंगे ऑयल होल की होल बॉडी पर ऑयल को क्या करना है अप्लाई करना है विथ मसाज करते हुए जिससे कि हम उस पेशेंट को एक गुड एंड कंफर्टेबल प्रोवाइड
कर सकते हो धीमे धीमे होल बॉडी पर क्या करना है अप्लाई करना। फर्स्टली हम उसके बैक में अप्लाई करेंगे, देन उसकी उसके एब्डोमिनल एरिया में, देन उसके बटक्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में सम अमाउंट में ऑयल हम उसके, अगर उसको कहीं ना कहीं क्या है कुछ भी प्रॉब्लम है हेयर में तो कहीं ना कहीं उसको देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम थी उसके, अगर कोई ना अगर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन वगैरह और क्रीम वगैरह या लोशन वगैरह यूज़ करेंगे उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम क्या करेंगे उसके हेयर में ऑयलिंग वगैरह जो भी केमिकल या क्रीम वगैरह यूज़ करेंगे, देन हम उसके कॉम की हेल्प से क्या करेंगे उसके हेयर को अच्छे से शेड करेंगे, देन जो हमारे पास वियर जो भी कपड़े हैं क्लॉथ्स हैं पेशेंट के लिए उनको उसको वियर कराएंगे। तो इस तरह हम एक पेशेंट को गुड एंड कंफर्टेबल जगह उसको फिर देन शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बाथिंग प्रोसीजर को इजीली हम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सारे इक्विपमेंट की हेल्प से। तो आज हम लोगों ने बेड वॉथ के बारे में डिस्कशन किया जिसमें हमने बेड वॉथ के बारे में पढ़ा, उसके पर्पस पढ़े, देन उसके हमने टाइप्स के बारे में और किस पेशेंट को हम अप्लाई करते हैं इक्विपमेंट के बारे में भी डिस्कस किया, साथ साथ हमने उसके पूरा प्रोसीजर के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।